जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल थंबनेल पर सही पढ़ा है, जियो अब बिल्कुल भी फ्री नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि अगर आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं जियो के नंबर से, तो आपको 6 पैसे प्रति मिनट देने पड़ेंगे। जैसे कि आप कॉल लगाते हैं एयरटेल को या आइडिया को या वोडाफोन को, तो आपको 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। अगर आप जियो से जियो के नंबर को कॉल लगाते हैं तो आपको ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये स्कीम ऐसे नहीं है कि जियो ने नई से लागू की है, क्योंकि जियो को भी पैसे पे करने पड़ते हैं। जी हां फ्रेंड, जिसे हम बोलते हैं IUC, इंटरकनेक्टेड यूजर्स आर। जियो काफी टाइम से उसमें पैसे भर रहा है, 2017 से 2019 आ गया तब से ये कंटिन्यू पैसे भर रहा है। इस तरीके से जो उनकी राशि बनी है वो 13,500 करोड़ रुपए बनी है। लेकिन जियो ने उस टाइम पर फ्री क्यों रखा था, मैं आपको ये बता दूं, तब उन्होंने ये बोला था IUC जो चार्ज लगता है वो लगता है ट्राई के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये चार्ज लगाया जाता है। तब उन्होंने बोला था कि 2020 में हम ये चार्ज बिल्कुल जीरो कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि अदर जो कंपनियां हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा करते हो तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो जिसके चलते ट्राई ने ये कंटिन्यू प्लान रखने के लिए जारी किया है। तो उसके चलते जियो वालों ने देखा कि अब हम घाटे में नहीं जाएंगे, क्योंकि 13,500 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए हैं 2 साल में। वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो हुआ है वो हुआ है एयरटेल वालों को, क्योंकि लोग जियो से एयरटेल के नंबर पर ज्यादा कॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एयरटेल की भी तादाद बहुत ज्यादा, लोग एयरटेल को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें फायदा हुआ है वो एयरटेल वालों को हुआ है। तो जियो ने बोला है कि अगर कोई जियो के नंबर से किसी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करता है तो उसको 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से देना पड़ेगा जियो को। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नए नए उन्होंने प्लान लॉन्च किया, 10 रुपए में आप 124 मिनट खरीद पाएंगे किसी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करने के लिए, 20 रुपए में आपको 246 मिनट आपको देखने को मिल जाएंगे। जी फ्रेंड्स, अब घुमा फिरा के उन्होंने क्या किया है यहां पर, कि जैसे कि यूजर जो है वो इंटरेक्ट ना हो, तो उन्होंने क्या किया है यहां पे प्लस में 1 GB और 2 GB और 3 GB 5 GB डेटा और जोड़ दिया है। मतलब 10 रुपए का अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1 GB डेटा मिलता है, 20 रुपए का रिचार्ज कराते हैं आपको तो यहां पे आपको 2 GB डेटा मिलता है। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि वो आपसे जो पैसे ले रहे हैं वो डेटा के ले रहे हैं, आपसे मिनटों के पैसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो घुमा फिरा के बात यह है कि सारा का सारा जो घाटा हो रहा है वो कहीं ना कहीं यूजर्स को ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले ये लेकर के आए फ्री में, लोगों को इंटरेक्ट किया अपनी तरफ, तब उन्होंने फ्री में बांटी सिमें भी, बांटी फ्री में मोबाइल्स भी, आपको पता है सस्ते सस्ते देखने को मिले, जिससे कि जियो के यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा जियो के यूजर्स है, मैं आपको बता दूं इस टाइम पर। अब उन्होंने क्या किया, देखा कि जियो के यूजर्स बढ़ गए तो उन्होंने अब चार्ज लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत गया, क्योंकि जियो ने पहले हम लोगों को फंसाया और अब ये चार्ज लेने लगा। ऐसे ही देखते हुए तो क्या पता और भी कंपनियां कर सकती हैं ऐसा, तो एयरटेल भी कर सकती है और आपको पता है वोडाफोन, आइडिया भी कर सकती है, क्योंकि वो कंपनियां तो इनसे छोटी ही कंपनियां हैं, तो वो भी चार्ज लेना स्टार्ट कर सकती है। तो सारा का सारा देखा है तो यूजर्स का ही घाटा रहने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, जियो को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितने लोग हैं जो इस टाइम पर जियो की सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस ऑफर से खुश हैं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, और मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो जियो की स्कीम है वो लागू हो गई है 10 अक्टूबर से ही। मतलब 10 अक्टूबर से अगर आप किसी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं तो आपको 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से देने पड़ेंगे। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और साथ ही साथ मैंने आपको बोल दिया अपनी राय भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।